हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ स्टेफ्री सिक्योर एक्सेल पैड का रिव्यू। सो अगर आप इस पैड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग में आपको यहाँ पे सबसे पहले मेंशन मिल जाएगा स्टेफ्री सिक्योर कॉटनी एक्स्ट्रा लार्ज विथ विंग्स। यहाँ पे 6 पैड आपको दिए गए हैं एंड इसकी MRP 36 रुपीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो PV सिंधु जी की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है एंड उसके ऊपर येलो में यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यू एंड इम्प्रूव्ड। सो गाइस, बैक साइड में इनका क्लेम यहाँ पे दिया हुआ है कॉटनी सॉफ्ट कवर लीकेज लॉक टेक्नोलॉजी ऑर्डर कंट्रोल। सो ये इनका क्लेम है। यहाँ पे आपको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं इसको यूज़ कैसे करना है एंड इसको एक्सपोज कैसे करना है, इसे फ्लस नहीं करना है यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका प्राइस फिर से मेंशन किया गया है 36 रुपीज़ एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर है। आप इसको 3 ईयर तक यूज़ कर सकते हो। इसका साइज़ 274 mm है एंड अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसकी पैकेजिंग की सारी डिटेल आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो यहाँ पे आपको 6 पैड्स मिल जाते हैं एंड इसका जो टॉप लेयर है वो कॉटन का है, कॉटनी है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने वाला है। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो इसकी फ्रेग्रेंस जो अदर स्टेफ्री के पैड्स आते हैं अगर आपने यूज़ किए हैं तो उसी की तरह इसकी भी फ्रेग्रेंस है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। आप बोल सकते हो कि लिटिल हार्ड एंड लिटिल सॉफ्ट है ये। इसके रिलीज पेपर पे आपको बटरफ्लाई बनी हुई मिलेगी जो कि स्टेफ्री के हर एक पैड पे मोस्टली आपको इसी तरह की बटरफ्लाई बनी हुई मिलेगी। सो अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ रिलीज पेपर को। सो ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो फुल कुछ इस तरह से है। इसका जो टॉप सीट है वो कॉटन का है एंड इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। एंड इसके ऑब्ज़र्व करने की अगर बात की जाए तो मैं इससे हैप्पी नहीं हूँ, बट अगर इसके प्राइस से कंपेयर किया जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बट आप इसे हैवी फ्लो के टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो हैवी फ्लो के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड अगर आप फिर भी अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।